जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंक बेच दिए, एयर इंडिया और रेलवे का निजीकरण करने पे उतारू है और अब उसकी नजर देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि क्षेत्र पर है, जो तकरीबन आधे हिंदुस्तान को रोजगार देती है। भाजपा द्वारा धोखे से पास करवाया गया कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, नए कृषि कानून के आने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, वह देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल बेच सकेगा, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। भारत के 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाते तो उनके किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा का लाया यह कानून पूरी तरह से बाजार और बड़े पूंजीपतियों के लिए बना है, ना कि गरीब किसानों के लिए। केंद्र की भाजपा सरकार का दूसरा दावा है कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद भी MSP यानी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रहेगा, जबकि कानून में लिखित रूप से इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए देश के अलग अलग कोनों में किसान आंदोलन के लिए उठ खड़े हुए हैं। अगर भाजपा सरकार की मंशा में खोट नहीं है तो MSP का प्रावधान लिखित रूप से विधेयक में क्यों नहीं डाला गया? भाजपा सरकार का तीसरा दावा है, इस कृषि कानून के लागू होते ही किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर से फायदा मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। पुरानी फिल्मों के सीन की तरह ठेका सिस्टम शुरू हो जाएगा। खेती तब भी किसान ही करेगा मगर माल कोई मोटा पूंजीपति ले जाएगा। चौथी और सबसे अहम बात, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के आने के बाद कालाबाजारी और जमाखोरी को वैधता मिल जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, सामानों के दाम पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ जाएंगे। पंजाब में अडानी का एक गोदाम बनना शुरू भी हो चुका है, 2 अन्य का उद्घाटन किया गया है। पंजाब में इस तरह के कुल 18 गोदाम शुरू किए जा चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी होगा। इस काले कृषि कानून के आने के बाद अनाज जैसे जीवनदायी सामानों को कोई भी कहीं भी कितनी भी मात्रा में इकट्ठा कर सकेगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तब अपने मनचाहे दाम पर बेचेगा। भाजपा की केंद्र सरकार कह रही है आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी मिलने वाली है, मगर किसान जानता है सरकार उसे वापस मुनाफाखोर कंपनी के गुलामी में धकेलने जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के लाए कृषि कानून को काला कानून बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संसद से सड़क तक इस काले कानून के विरोध में उतर आए हैं और बन गए हैं किसानों की आवाज। आपकी आवाज।